एवरीवन, वेलकम टू डिस्टेंस जीके क्लासेस। तो अभी सबसे ज्यादा बस एक चीज का कमेंट आ रहा है कि हमारा जो है हम ओबीसी से हैं और हमारा 82 नंबर है, हम पास हैं कि फेल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नोट में 60% लिखा हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक जनरल वे में लिखा हुआ है कि अगर आप जो है 60% सिक्योर करते हो या फिर उससे ज्यादा नंबर, देन आप क्वालिफाई हो, मतलब 90 नंबर। तो ये सभी कैटेगरी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे आप देखिए नीचे क्या लिखा है कि स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड मे कंसीडर गिविंग कंसेशंस टू पर्संस बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, डिफरेंटली एबल पर्संस एटसेट्रा इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। मतलब आपकी रिजर्वेशन, आप किस आरक्षण के अकॉर्डिंग जो है आपका नंबर जो है वो उस हिसाब से मान्य होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक जनरल में बस 60% लिख दिया है, और ये इसलिए भी लिखा है ना क्योंकि देखो इसके दो रीजन है, अभी मैं आपको कट आउट बताने वाली हूँ कैटेगरी वाइज। देखिए 60% क्यों लिखा है, क्योंकि मान लीजिए आप जनरल से हो, ठीक है, तो आपको कितना नंबर चाहिए होगा, 90 नंबर। तो आप कहीं पर भी अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में भी भर सकते हैं फॉर्म। अब मैं ओबीसी की बताती हूँ, देखो आप ओबीसी में हो, आप अपने स्टेट में आपके नंबर 82 आ रहे हैं, तो आप अपने स्टेट में आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको पता है कि अगर आप डीएसएसबी या दूसरे स्टेट में भरने जाते हो तो वहां पे आप ओबीसी में काउंट नहीं होते हो, वहां पे आप कहाँ पे काउंट होते हो, जनरल में। जैसे आप जनरल में काउंट होंगे तो उसके लिए आपको 90 नंबर चाहिए, और एससी एसटी के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। एससी एसटी जो है, चाहे अपने स्टेट में हो दूसरे स्टेट में हो, उनको 82 नंबर ही चाहिए, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन, तो इसलिए परेशान मत होना, अगर आपके 82 नंबर हैं तो आप पास हैं, आप फेल नहीं हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके रिजल्ट में, जैसे कि मैं इस रिजल्ट में बताती हूँ, ये देखिए ये रिजल्ट में कितना नंबर आया है, 103, और ये किस कैटेगरी से है, ओबीसी। तो ओबीसी में 103 नंबर है, ऑब्वियस सी बात है पास है, अगर इनके 82 नंबर भी होते तो भी ये पास होते, ठीक है। या फिर ये एससी से है या एसटी से हैं, अगर आपके इतने नंबर हैं, 103 है या 82 नंबर है, आप पास हैं, ठीक है। और अगर आप जनरल से हो, वो भी सुन लीजिए, अगर आप जनरल से हो तो आपको आपका 89 नंबर होगा ना तो भी आप फेल होंगे। आपको कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। अच्छा, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि इतने नंबर है फिर भी फेल, ऐसा क्यों, वो सुन लीजिए। जैसे कि अगर आपने फॉर्म देखा होगा कि अभी आने वाला है डीएसएसबी का, आपके नंबर 82 हैं, आप एससी एसटी से हैं, आप वो फॉर्म भर सकते हो, क्यों, क्योंकि दिल्ली में भी आप एससी एसटी में ही काउंट होंगे, ठीक है। बट अगर आपके नंबर, जैसे कि सीटेट के सर्टिफिकेट में तो 82 नंबर है तो आप पास है ना, बट अगर आप ओबीसी से हैं और आपके सर्टिफिकेट में यहां पर 82 नंबर ही है और आप चाहते हो कि आपको दिल्ली वाला फॉर्म भरना है जो कि आने वाला है, तो आप उस सीटेट के हिसाब से नहीं भर पाओगे, क्योंकि वहां पर आपको 90 नंबर चाहिए होता है, क्योंकि आप जनरल में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और कट ऑफ भी आपको पता ही चल गया होगा, कट ऑफ बस दो ही चीज का होता है, एक तो 82 नंबर का होता है, एक होता है 90 नंबर का। जनरल वालों को 90 नंबर लाना है और एससी एसटी ओबीसी वालों को 82 नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये परेशान मत होना, क्योंकि ये नोट वाला लोग देख के परेशान हो गए थे कि हम तो ओबीसी से हैं और हमारा यहाँ पे 60% है ही नहीं, यहाँ पे परसेंट आपका 55% ऐसा दिखा रहा होगा, तो हम तो फेल हैं। देखो 55% हो, 55% दिखा रहा है, आप फेल नहीं, आप पास हैं, क्योंकि आपका नंबर 82 है और आप अपनी कैटेगरी में हो, ठीक है। सब कैटेगरी का अलग अलग होता है। तो सारी चीजें मैंने बता दी, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।